Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Sanavitive Ways और इंडियन राइटर्स की सीरीज के अंदर हमारे पास नेक्स्ट राइटर हैं मंजू कपूर। तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आज। बहुत ही छोटे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको लर्न नहीं करने हैं, पर जितने भी फैक्ट्स हैं प्लीज उनको नोट डाउन करो और ठीक से इस वीडियो को देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट मंजू कपूर। कौन है वो? ये एक इंडियन पंजाबी नॉवेलिस्ट है, ठीक है? वैसे इंडियन है, पंजाबी इज जस्ट लाइक ही बिलोंग्स टू अमृतसर पंजाब, इसलिए पंजाबी लिखा है, बट आप यहाँ पर इनको इंडियन ऑथर में काउंट करोगे। इंडियन नॉवेलिस्ट है वो, नॉवेल्स लिखे इन्होंने मोस्टली। इनका बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1948 में पंजाब अमृतसर में हुआ था, ठीक है, भारत की आजादी के एक साल बाद 1948। करेंटली ये 74 ईयर्स की हैं, ठीक है। इनकी शादी गुरनिधि डालमिया से हुई है, ठीक है, और करेंटली ये रहती है न्यू दिल्ली में। इनका एजुकेशन जो है एमए वो डलहौजी यूनिवर्सिटी इन हैलिफैक्स कनाडा से हुआ है। पंजाबी हैं तो कनाडा आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि इनका जो यूनिवर्सिटी है वो कनाडा में हुआ है। उसके बाद इन्होंने एमफिल किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, करेंटली जैसा कि बताया कि एक इंडियन नॉवलिस्ट तो है, इसके अलावा मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहां पर ये इंग्लिश की प्रोफेसर भी है, ठीक है। तो ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे इनके अवार्ड्स के बारे में। तो मंजू कपूर जो हैं वो, उनको 1999 में एक अवार्ड मिला था जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड मिला था इनका पहला नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स, यहाँ पे दिया हुआ है डिफिकल्ट डॉटर्स एंड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट स्टोरी अबाउट फैमिली एंड पार्टिशंस एंड लव, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट नॉवल। ओके, वॉट price would you pay for the freedom of freedom to love? तो ये कुछ quotations दी हुई है, तो आपको बस ये picture ध्यान रखना है। Difficult Daughters जो है वो इनका पहला novel है और उसी के लिए इन्हें Commonwealth Writers Prize मिला था। इसके बाद ये shortlist की गई थी The Immigrants के लिए, जो कि इनका दूसरा एक और novel था, 2011 में लिखा था, और इन्हें prize, जिस prize के लिए shortlist की गई थी उसका नाम था DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। ओके, तो इनके अवार्ड्स पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये वाला ध्यान में रखना है और उनका पहला नॉवल। अब इनके नॉवेल्स के बारे में आगे देखते हैं, इनकी राइटिंग वर्क क्या क्या है। तो इनके जो राइटिंग है, एक ध्यान रखना कि एक फेमिनिस्ट जो राइटर्स होते हैं उनमें काउंट करते हैं इनको। तो इनका जो पहला नॉवल हमने देखा डिफिकल्ट डॉटर्स, जो कि 1998 में लिखा गया, वो इनका पहला नॉवल था। सेकंड नॉवल जो है वो 2002 में लिखा गया था, जिसका नाम है अ मैरिड वुमन, ठीक है। थर्ड जो है वो 2006 में लिखा था, वो है होम। तो ध्यान रखना है कि बेसिकली ये ज्यादातर जो इनका जो राइटिंग थीम होता था वो वुमेन के ऊपर होता है, इसलिए इनके नाम देखोगे तो डिफिकल्ट डॉटर, मैरिड वुमन, होम, है ना, द इमिग्रेंट 2008 में लिखा, कस्टडी 2011 में लिखा, शेपिंग द वर्ल्ड विमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स 2014 एंड ब्रदर्स 2016। तो ये इनके नॉवेल्स और राइटिंग्स है जिनको आप ठीक से देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि मंजू कपूर किसके ऊपर लिखती है, इनकी राइटिंग स्टाइल एंड ऑल। तो ये इनका जो राइटिंग है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन रियल वर्ल्ड, विमेन का रियल वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को ये अपनी राइटिंग के थ्रू बताती है, ठीक है। महिलाओं का क्या इस रियल वर्ल्ड में क्या एक्सपीरियंस है वो सब ये रिफ्लेक्ट करती है। और इसके अलावा वो लिखती हैं अबाउट दी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, विमेन की पर्सनल एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स, फेसेस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब उनकी पहचान, ठीक है, वो उनकी कोई पहचान नहीं होती है, जो भी डिस्कशन कर सकते हैं हम वो टॉपिक ही अपनी नॉवेल्स में लिखती है। वो लिखती हैं
शी राइट्स व्हाट टुडेज वुमेन कैन रिलेट इजीली. वो जो कुछ भी लिखती है उसको आज की जो वुमेन है वो इजीली रिलेट कर सकती है और देख सकती है कि ये जो नॉवल है ऐसे लगेगा कि उसी की लाइफ पे लिखा गया है. ठीक है, चाहे कोई भी हो, यदि वो इनके नॉवल को पढ़ेंगी बीइंग अ वुमेन तो उसे लगेगा कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में लिख रही है. ओके, तो इस तरह की राइटिंग ये लिखती है. शी डील्स विद द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निस्ट एथोस वुमेन ट्राइंग टू फाइंड देयर आइडेंटिटी. वो ऐसी चीजों के बारे में लिखती है जिसमें लगता है कि जो वुमेन है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है. ठीक है, तो ये तो उनका थीम होता है बेसिकली फेमिनिस्ट, तो फीमेल को लेके. इसके अलावा हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. क्वेश्चन आ सकता है कि वोमती, आस्था, निशा, शकुंतला, रूपा, ये किसके कैरेक्टर. ठीक है, तो इसमें ये इनकी फर्स्ट नॉवल का है तो बहुत ही फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो इनके जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक एंड सेंसिटिव होते हैं. दे नेवर सरेंडर बट रिएक्ट अगेंस्ट इट. जो भी उनके साथ में प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सिचुएशन होती है, वो उसके सामने झुकती नहीं है बल्कि उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है. ठीक है, उससे लड़ती है प्रॉब्लम से. ओके, तो जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं वो दे ऑल आर सर्चिंग फॉर देयर ग्राउंड्स इंटरेस्टिंगली फ्रॉम अ रॉन्ग थ्रेशोल्ड. जो कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा होता है उनको वो सही करने की कोशिश करती है थ्रू आउट द स्टोरी. ठीक है, इनके जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो मतलब हीरोइन या जो मेन कैरेक्टर होता है वो फीमेल होता है, दे आर मोस्टली एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होती है, एस्पायरिंग इंडिविजुअल है ना, केस विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी. पढ़ी लिखी, मॉडर्न समझ लो आप, या फिर नए विचारों वाली फीमेल होती है जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी में बंध गई होती है और वो एक तरह से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है, सिचुएशन को या सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करती है. देयर एजुकेशन लीड्स देम टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग फॉर विच देयर फैमिली एंड सोसाइटी बिकम इनटॉलरेंट ऑफ देम. उनकी जो पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशन है, उनकी उसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली वुमेन बन जाती है जो कि उनकी फैमिली और सोसाइटी के लिए टॉलरेटेबल, मतलब टॉलरेंट नहीं होती है, कि वो उसको सहन नहीं कर पाती है सोसाइटी, क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालों वाली पढ़ी लिखी और हर एक चीज को वो सही और गलत को प्रूव करने वाली, वैसी इनकी प्रोटैगनिस्ट होती है. तो एक तरह से आप देख सकते हो कि एक तरह से तरह का तनाव रहता है इनके नॉवेल में. जो फीमेल होती है वो अपनी राइट्स के लिए अवेयर होती है और उन्हीं उन्हीं पर बेस्ड इनका नॉवल होता है. फॉर कपूर इट अपीयर्स दैट फेमिनिज्म, वो कहती है कि फेमिनिज्म क्या होता है. फेमिनिज्म इज बोथ अ कॉन्सेप्ट एंड अ मूवमेंट. वो कहती है कि फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट भी है और एक मूवमेंट भी है. मूवमेंट का मतलब हिंदी में हम इसको आंदोलन बोलते हैं, बट यहाँ पर मूवमेंट का मतलब होता है किसी चेंज को लाने के लिए किए गए एफर्ट. ठीक है, तो ये एक मूवमेंट भी है इन द प्रेजेंट सेंचुरी एंड इज अ न्यू डायमेंशन टू कंटेम्पररी थिंकिंग. प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर कुछ नया करना, बदलने के लिए, नए डायमेंशन को लाने के लिए, जो कि पुरानी सोच है उसको बदलने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम फेमिनिस्ट कहेंगे, ऐसा मंजू कपूर कहती है. तो आप समझ गए होंगे कि वो किस बारे में लिखती है या उनकी राइटिंग कैसी होगी. और ऑब्वियसली यदि आप एक वुमेन है या एक फीमेल है तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप उनको कोरिलेट कर सकते हो अपने आप से. ओके, इसके बाद देखेंगे करेंटली इनके कुछ जो नॉवेल्स हैं वो उन पर बेस्ड बहुत सारे टीवी सीरियल्स, क्या कह सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी और बाकी अदर लैंग्वेजेस में. तो आपने देखा होगा कि एक स्टार प्लस पे बहुत ही फेमस सीरियल है, ये है मोहब्बतें. ओके, वो इनका ही एक नॉवल है कस्टडी, उस पर बेस्ड है कम्प्लीटली. ठीक है, तो कस्टडी पे बेस्ड भी बहुत सारे इंडियन टेलीविजन के सीरियल्स हैं, डेली सोप जो हैं वो इस पे हैं. एक है प्रणायम, इन मलयालम लैंग्वेज पे आता है, वो किसी और टीवी चैनल पे आता है. कल्याणम, मुदल कदल, वराई इन तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में है, तेलुगु में है, मोनिए खची कुछ बंगाली लैंग्वेज में है. देन परदेश में है मेरा दिल, यदि आप टीवी देखते हो तो आप जानते होंगे. ये भी इनका एकता कपूर का सीरियल है जो कि मंजू कपूर के नॉवल द इमिग्रेंट पर बेस्ड. ठीक है, तो इनके नॉवल पर बेस्ड काफी सारे टीवी सीरियल्स भी आ रहे हैं. तो
इस तरह आप देख सकते हो कि इनकी नॉवल काफी इंपॉर्टेंट है, किस थीम पर बेस्ड है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आप, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि अभी तक आपने पढ़ा तब आपका ध्यान कहाँ था। तो मंजू कपूर कहाँ पर उनका बर्थ हुआ था? तो दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, लाहौर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, यदि आता है तो 100% करके आना और सही करके आना। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। मंजू कपूर की जो राइटिंग है, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंस ऑफ इन रियल वर्ल्ड। किसके एक्सपीरियंस को रिवॉल्व करती है? भगवान के, मैन, विमेन और एक राइटर के एक्सपीरियंस को। तो किसके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो राइट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। और आंसर्स लिखने में कंजूसी ना करें, इससे मुझे लगता है कि आप जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ उसमें आप एंगेजमेंट कर रहे हैं, आपका ध्यान है इधर और आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं। इन विच ईयर डिड शी रिसीव कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज? तो देखना है आपको कौन से साल में मिला उनको। 1990 में मिला, 1999 में मिला, 2009 में, या 2019। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है और सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलते हैं, बस आपको सही आंसर को टिक करना है वरना आप नेगेटिव मार्किंग के थ्रू मार्क्स लूज करोगे। सही तो गलत तो करोगे ही, प्लस सही में से भी मार्क्स लूज करोगे। सो टेक केयर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं आते, आपको लगता है पढ़ा हुआ है तो आता ही होगा, चलो तो कम मार देते हैं। सो टेक केयर ऑफ दिस, यदि आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बिल्कुल सही करना। इसके बाद है, शी गॉट कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर द नॉवल। किस नॉवल के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था? डिफिकल्ट डॉटर्स, मैरिड वुमेन, होम और द इमिग्रेंट। तो आंसर आपके सामने है, आप इसमें से आंसर दें। ओके, दैट्स वेरी इजी। ये क्वेश्चन भी मैंने दो तीन बार रिवाइज करके बताया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मंजू कपूर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू go through more questions, more MCQs, more practice test series, so can download the Vidyavits application from Google Play Store. वहाँ से आप test buy कर सकते हैं, in case if you have any problem or issue regarding any confusion about the test series and anything, you can ask me on my number which is given in the description box. And go for it. Thank you again for watching this video. See you in the next video with another writer.